हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज आपका एडवांस अकाउंट्स का पेपर है। सबसे पहले तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द पेपर। कुछ टिप्स को मैं दे रहा हूँ, आप भूलिएगा मत। टिप नंबर वन, अभी अगर आप इमीडिएटली मेरा ये वीडियो सुन रहे हो और एग्ज़ाम से पहले सुन रहे हो, तो प्लीज़ आप शेड्यूल थ्री का फॉर्मेट एक बार देख के जाओ, ठीक है। बैलेंस शीट बैंकिंग कंपनी में जो पीएनएल का फॉर्मेट होता है वो देख के जाओ, उसके बाद लिक्विडेशन में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट देख के जाओ, ठीक है। जो भी रटने वाली चीज़ें हैं लिक्विडेशन में, कुछ थ्योरी इंपॉर्टेंट है जैसे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, इन सब के फॉर्मेट ज़रूर अभी के अभी देख के जाओ, स्पेशली शेड्यूल थ्री का फॉर्मेट। शेड्यूल थ्री का फॉर्मेट कंसोलिडेशन के चैप्टर में अप्लाई हो सकता है, अमलगमेशन के चैप्टर में हो सकता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हो सकता है, बायबैक वाले चैप्टर में हो सकता है। पार्टनरशिप वाले में आया तो वो सिंपल बैलेंस शीट बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी टिप ये है कि देखिए, पहला क्वेश्चन ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर आता है, ठीक है, और वो इजी होता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट क्वेश्चन एएस पर आता है और वो मैंडेटरी होता है, आपको करना तो पड़ेगा ही। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप कोशिश करके पहला क्वेश्चन पहले ही कर लीजिएगा, और उसके बाद जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, वो क्वेश्चन भी कंपैरेटिवली इजी होता है। इजी इन द सेंस उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप उसको कंपेयर करोगे अदर क्वेश्चन से, तो अदर क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, इनमें क्या होता है, ए और बी होता है 10-10 मार्क्स के या फिर 8-8 मार्क्स के। बट जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है उसमें ABCD होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो ऑप्शन में चूज करने के लिए क्वेश्चन नंबर 6 कंपैरेटिवली आसान होता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 6 चूज कर रहे हो, तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 करना और फिर क्वेश्चन नंबर 6 करना। तीसरी टिप ये रहेगी प्रेजेंटेशन के लिए कि कभी कभार ये होता है कि हमें सब पार्ट आते हैं किसी किसी क्वेश्चन के। जैसे मान लो मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी आ रहा है, सी डी फिलहाल नहीं आ रहा है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का ए आ रहा है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का बी आ रहा है, तो मैं क्या इस सीक्वेंस में कर सकता हूँ? कोशिश करके ये चीज़ें फॉलो मत करिएगा। जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो उसके सारे सब पार्ट एक के बाद एक करो, वो ज़्यादा सही रहता है कंपैरेटिवली। बाकी मेरे हिसाब से बाकी आपकी पढ़ाई हो चुकी होगी। अगर अभी भी आप पढ़ रहे हो तो कुछ भी नया मत पढ़ो, ठीक है ना। अभी आप सिर्फ इन चीज़ों पे फोकस करो जो मैंने अभी आपको बताया, फॉर्मेट रिलेटेड चीज़ें पे फोकस करो, ठीक है। और जो थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनके चार्ट बुक ज़रूर अपने साथ ले जाना, या मोबाइल में चार्ट बुक का फ़ोटो ज़रूर खींच के जाना। आपके पास अगर मेरा AS का चार्ट बुक है तो सारे AS के चार्ट बुक के फ़ोटो ज़रूर खींच के चले जाओ। आप जब अभी जो अभी आप कर रहे हो, अगर आपको AS करना है तो अभी आप चार्ट बुक से जल्दी जल्दी कर सकते हो। सो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, आपका पेपर अच्छा जाएगा। पेपर थोड़ा सा लंबा आ सकता है तो आप अपनी स्पीड को बरकरार रखिएगा। इसके अलावा जैसे ही पेपर हो जाए तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, या तो टेलीग्राम पे या तो मुझे व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।